लिखा गया हीरानगर जैसमेर का किले का इतिहास और पूरा इतिहास के बारे में एक एक चीज को यहाँ पे दिखाया गया। अभी एक देखिए फॉरेस्ट के जैसे जंगलों में जाएंगे ना तो ऐसे कई जगह बना हुआ रहता है, यह लकड़ी का डिजाइन करके बनाया गया। यहाँ से पूरा यह चूना पत्थर से बनाया गया है, यह कभी भी सीमेंट बालू का यूज नहीं किया, जैसे चूना और पत्थर और गुड़। इस समय जैसमेरगढ़ में हूँ। जैसमेरगढ़ कठुआ जिला में पड़ता है और पहले जैसमेरगढ़ यह एक राजधानी थी और यहाँ पे एक किला है जैसमेरगढ़, इस समय हीरानगर के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक जेल भी हुआ करता था उस समय, पहले तो यहाँ पे रजवाड़ा हुआ करता था, उसके बाद जब देश आजाद हो जाने के बाद यहाँ पे एक थाना का निर्माण हुआ था और थाना भी हुआ करता है, उसके बाद थाना को हटा के यहाँ पे माँ काली का मंदिर है और इस समय यहाँ पे लोग दर्शन करने आते थे। मुझे पता चला तो मैं यहाँ पे किला देखने के लिए आया हूँ और आप लोगों को किला दिखाऊंगा, इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सिख धर्म हमला करके यहाँ पे कब्जा भी कर लिए थे, उसके बारे में बताऊंगा और किला को भी दिखाऊंगा कैसा किला। एक बहुत कुआं यहाँ पे फेमस है जहाँ पूरे हीरानगर जैसमेरगढ़ को पानी का उपलब्ध कराया जाता है, इसी कुएं से वह भी दिखा दूंगा आप लोग को। यह है जैसमेरगढ़ मेन गेट देख सकते हैं और अंदर काली माता का मंदिर है और यह 370 जब हटा है उसके बाद यह पुनर्निर्माण किला को बचाने के लिए संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग को दिया गया। इसमें लगभग गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपया इस पर खर्च करने के लिए, बचाने के लिए इसको खर्च किया और अच्छे अच्छे से यहाँ पे जो बैठने के लिए सुविधा भी। और आगे जाएंगे तो पूरा हिस्ट्री इस किले के बारे में है, थोड़ा इस साइड दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे करके छोटा किया जाता है उंगली से। हाँ वो तो होता है। और आ जाएंगे हम लोग अंदर और यह देखिए पहले तो बहुत बड़ा बड़ा है गेट जो हुआ करता था पहले के जमाने में, इस समय थोड़ा लकड़ी का बना हुआ, पहले तो बहुत मोटी मोटी लकड़ी का बना हुआ करता था और इसका हर चीज का सिस्टम हुआ करता था। यह लगता था बहुत बड़ा बड़ा कि हाथी घोड़ा से जब हमला बोले थे दीवार टूटे सॉरी दरवाजा टूटे ना इस तरह गेट बांध कर। और देख लेते हैं कैसे खुला है पूरा जैसमेर का किले का इतिहास और पूरा इतिहास के बारे में एक चीज को यहाँ पे दिखाया गया। हम लोग इधर भी है किला देख सकते हैं, इधर भी है जेल भी है कुआं भी है, हर चीज दिखाते चले। और आगे यह गेट दिखा रहे माता जी का मंदिर, काली माता मंदिर, तो उधर भी चलेंगे पहले आगे जाके इसके बाद। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर कुआं है और इस साइड मंदिर है, थोड़ा मंदिर दिखा दो इस साइड मंदिर माता काली जी का मंदिर। और ऊपर जाएंगे कुआं है, उसी से पूरे सप्लाई हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय का और यह 1300 ईसा पूर्व का है शायद और इस समय 500 वर्ष पूरा हो गया। आ जाओ थोड़ा और कुएं की तरफ जाने का रास्ता लिखा गया, अभी इधर इधर दिखा दो, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे देखिए बैठाका बना है, अभी जब 370 धारा आ गया तो खर्च किया गया और यहाँ पे एक अच्छा पार्क की तरह यहाँ पे बनाया गया और आया के साइड भी हर जगह थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना इसको रखा गया। और देखिए ये दीवार लग रहा है पुराना ही होगा कि नया है, क्योंकि अभी इसको बनाया जा रहा है, यह वाला पुराना है, यह चूना पत्थर से बनाया गया है। यह कभी भी सीमेंट बालू का यूज नहीं किया, जैसे चूना और पत्थर और गुड़ कई चीज मिक्स करके तीसी तेल और मिक्स करके बनाया गया। देखिए यह और यह है, लेकिन यह नया लग रहा है क्योंकि ये निकल रहा पुराना होता तो नहीं। इधर भी है, इधर से देखिए इस जगह का इस जगह इधर थोड़ा दिखा दो और इधर से देखिए पूरा यह शहर गांव कस्बा हर चीज दिखाई देता है, देख सकते हैं और छोटा छोटा गांव दिखाई। यहां से सैनिक जो भी गेट पे कोई आता था
तो यहाँ से द्वार स्टार्ट हो जाता था, कोई भी सैनिक आता था तो उसको पता चल जाए सेना को कि हाँ कोई हमला करने के लिए आ रहा है। कैसे ज्यादा ऊपर नहीं है, किला बहुत ही नॉर्मल है, समझ सकते हैं कि रायगढ़ बहुत छोटा है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर वो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन यह पहाड़ों के ऊपर ज़्यादा नहीं, थोड़ा हाइट के ऊपर बना है। और इस साइड झील भी है जो यहाँ के लोगों के दबाव से झील को हटाया गया, क्योंकि माँ काली का मंदिर है, रेतीला था, इसी में झील बना दिया गया, इसको दबाव से हटा दिया गया, पूरे गांव के द्वारा विरोध किया गया तब हटा दिया गया। और देखिए यह सब अभी पौधा ज़्यादा भी नहीं होगा, इसको संरक्षित करने के लिए बनाया गया। देखिए यहाँ से एक देखिए फॉरेस्ट जैसे जंगलों में जाएंगे ना, कैसे कई जगह बना हुआ रहता है, यह लकड़ी का डिजाइन करके बनाया गया। यहाँ से पूरा यह है कि बहुत ज्यादा हाइट पे है और यहाँ से पूरा दिखाई देता था, थोड़ा दो और यहाँ से पूरा गांव देख सकते थे। और यह देखिए चौड़ाई की दीवार, यह 6 फीट लगभग 6 फीट चौड़ाई की दीवार है और इतना मोटा, इससे भी 40 फीट 50 फीट 100 फीट का दीवार होता है। और मैं आप चले जाएंगे वहाँ पे कुंभलगढ़, तो इतना मोटा मोटा दीवार, चीन चाइना के बाद दूसरा दीवार वहाँ कुंभलगढ़, और कितना अच्छा खूबसूरत ये दृश्य लग रहा है। और आगे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे कुआँ है वहाँ पे, आगे भी चलते रहोगे थोड़ा भी नहीं, तुम ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा ऐसे मतलब ऐसे नहीं, वो ऐसे ही सही है। अच्छा अच्छा मैं स्टार्ट, तो देख सकते हैं यह किला कितना खूबसूरत है और हीरानगर में है राजा हीरा, जो हीरा जी जो राजा थे, यहाँ के आखिरी राजा थे, उन्हीं के नाम से यह शहर को किला को नाम दे दिया गया है, शहर का नाम दे दिया गया है हीरा नगर। और यह जो यहाँ और इसको भी हटा दिया गया, इस समय झील को बंद कर दिया गया, इसमें कोई जा नहीं सकता, देख सकते हैं बाउंड्री किया गया और उधर से कोई कभी अंदर आ नहीं सकता था, ऐसे बनाया गया था काम के लिए, लेकिन बाहर आप और ये दीवाले 6 फीट की मोटी की है और पतली पतली ईंटें यूज किया जाता है, पतली पतली ईंटों से दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें सीमेंट ज़्यादा यूज है, जो भी इसमें मटेरियल है या बहुत सख्त होता है, जल्दी टूटता नहीं है, सालों साल तक चलता है, हजारों साल तक की दीवार चलती रहती है, इसलिए मोटी बनाया जाता था। और यह देखिए जो पूरा जेल था यह कैसे एरिया हो गया, इसमें इसको कैद करके रखा है, इसमें कोई यूज भी नहीं किया, उस साइड तो मंदिर है और इधर कैद करके रखा थे। और यह जितने बना है ये रास्ता उसका सब इस समय का, जो इसकी दीवारें हैं पुराने समय का है, 500 वर्ष पुराना तो किया। इधर भी एक मिनट थोड़ा आइएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कितना हाइट तक है नीचे, साइड नीचे भी दीवार है कि कोई जल्दी आएगा, वो देखिए ये देखिए नीचे भी एक दीवार है, ये वाला ये देखिए, तो कोई दूसरा जेल बनाना पड़ता तो ज़्यादा पैसा लगता, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इसी को जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया, तब्दील कर दिया कि पैसा कम खर्च हो और भागन कोई
चारों तरफ से घूम के चले जाएंगे थोड़ा सा पेट्रोल। इधर से आओ, इधर से लाइट आएगी, बल्टी पड़ा रहे ना। आ गए हैं हम लोग कुएं पे, और कुआं इतना गहरा है बता नहीं सकते हैं, और पत्थर के बना हुआ है, बहुत पुराना है, लगभग 500 वर्ष पुराना। और इसी कुएं के पानी पूरे किला तो पीता ही था, यहाँ के गांव के लोग जो हीरानगर में रहते थे वो भी पीते थे। जैसे जसमेरगढ़ पहले नाम था, उसके बाद हीरानगर रख दिया गया, आखिरी राजा जो थे हीरा उन्हीं के नाम से। और कुआं इतना गहरा है, मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा पास में, अभी रिया है, इतना गहरा कुआं है बता नहीं सकता। कबूतर इसमें, और डर भी लग रहा है, मोबाइल छूट गया तो मेरा चला जाएगा, 60,000 का काम। और यह है मंदिर, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर बन रहा, देख सकते हैं। सनीदेव तो भोले बाबा का ऊपर लगा, ऊपर त्रिशूल लगा है, त्रिशूल भी लगा है। और यह है कुआं, और देख सकते हैं शनि देव का ही बन होगा, और थोड़ा थोड़ा इसका अच्छा से बनवाया जा रहा है, काली माता, काली माता। और यह है कि थोड़ा हाइट पे है, जितना होना चाहिए उतना हाइट पे, पहले राजा महाराजा इसीलिए हाइट पे रहते थे कि दुश्मन हमला करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमला करने में आसानी से कोई हमला करके पहले राजमार्ग को कोई कब्जा, पहले देखिए यहाँ पे सिख धर्म के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था 1836 में लगभग, और कब्जा करके राजा हीरा सिंह को मार दिए थे और इसको कब्जा कर लिए थे। और यह देखिए अभी भी है जो यहाँ पे जेल हुआ करता है, भी मंदिर का वह दिखाई दे रहा है, और इसमें खेती भी लग रहा करते हैं वो जो पुजारी होते हैं महाराज जी यहाँ पे, उनको जाने का अलाउ है। और जा रहे हैं हम लोग ऊपर, दीवार पे भी चढ़ने का मौका मिलेगा तो चढ़ेंगे जरूर। और यह इसको ये बंद कर, जब